नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश डिहजारे आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल RDH सर पर। तो दोस्तों, ये जो आज की वीडियो है, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बिहार STET 2019 जो है, बिहार STET 2019 मतलब कि बिहार सेकेंडरी शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है, बिहार की TET जो 2019 वाली है, जिसका पेपर 28 जनवरी 2020 को हुआ है, पेपर 1 और पेपर 2। तो उसकी जो उत्तर सूची है वो 15 फरवरी 2020 को आ चुकी है, और ये जो उत्तर सूची है बिहार STET की वेबसाइट पर 18 फरवरी 2020 तक रहने वाली है। और 18 फरवरी 2020 तक किसी भी उत्तर पर अगर किसी भी उम्मीदवारों को जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं उनको अगर आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज कराने का समय भी दिया गया है 18 फरवरी 2020। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं, हालांकि अभी एक दिन ही बचे, आज 17 और कल की 18, ऐसे 2 ही दिन बचे हैं, और काफ़ी सारे बिहार के जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको जो उत्तर सूची है वो डाउनलोड करने में जो है परेशानी आ रही है, डाउनलोड नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो हम, क्योंकि हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, बिहार के जो भी TET से रिलेटेड जो भी अपडेट्स वगैरह है उसकी जानकारी हमें भी उतनी नहीं थी, पर ये जानकारी देने के लिए हमारे ही चैनल के एक व्यूअर या सब्सक्राइबर जो है नीरजा कुमारी जी, उनका हम धन्यवाद देते हैं उनको कि भाई उन्होंने हमको इस बारे में जानकारी दी, और उनकी जो बिहार STET है 2019 उसकी आंसर सूची आ गई करके, आंसर शीट आ गई करके, और ये प्रोविजनल उत्तर सूची है। तो ये डाउनलोड कैसे करें, ये उन्हें कुछ समस्या आ रही थी और करके हम जो है इस वीडियो के मार्ग द्वारा हम वो जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले बिहार की STET 2019 के आंसर के डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर या गूगल क्रोम वगैरह पर बिहार STET 2019 आंसर की आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आप जब लिखेंगे उसके बाद में जो है ये जो पेज ओपन होगा गूगल पर, जो सर्च रिजल्ट आएंगे उसमें, हालांकि आप ये जो पहला जो सर्च रिजल्ट है जिसमें जो लिंक को रिडायरेक्ट करता है career.aglasem.com, इस साइट पर भी जा सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट तरीका मैं थोड़ा नीचे जाने का मैं सजेस्ट करूंगा वो है bsebstet.in। सबसे बेस्ट तरीका है क्योंकि ये bsebstet.in जो वेबसाइट है ये बिहार के जो ऑफिशियल साइट से शायद कनेक्टेड हो सकती है। हाँ, उनकी एक और ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार STET 2019 या bsebstet2019.in, शायद ऐसी कुछ एक साइट है, वहाँ सही देखा जाए तो होना चाहिए, पर वहाँ से ये जो लिंक है वो नहीं दिख रही या वहाँ से वो डाउनलोड नहीं हो रही। तो आप एक काम कर सकते हैं, ये जो वेबसाइट है यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ पर आप जब जाएँगे तो अब आपको यह दिखेगा, यहाँ पर पूरी जानकारी आएगी कि बिहार STET आंसर की 2020 पेपर 1 पेपर 2 आंसर शीट 28 जनवरी एग्ज़ाम। तो ये जो पूरी पेज है इसमें पूरी जानकारी लिखी गई है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, और आप जब नीचे जाएंगे तो आपको स्क्रॉल करने के बाद एक चीज़ दिखाई देगी, वो है कि आंसर शीट डाउनलोड कैसे करें। यहाँ पे लिखा भी है ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द BSTET आंसर की। तो अगर किसी को आपत्ति है किसी उत्तर पर तो 18 फरवरी तक वो भी कर सकता है। हाउ टू डाउनलोड बिहार STET आंसर की 2019, यहाँ पे स्टेप्स दी गई है, पर हालांकि ये जो यहाँ पे जितने भी तरीके बताए गए हैं वो तरीके कारगर नहीं है, वो वर्क नहीं करते। वो अगर वर्क करे रहते तो शायद हमें यह वीडियो बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे दोस्तों 2 लिंक दिए हैं, एक तो विजिट ऑफिशियल वेबसाइट हियर करके, जो बिहार का जो बोर्ड है BSEB का जो बोर्ड है उनको डायरेक्टली उस साइट को रिडायरेक्ट करता है, उस साइट पर जाता है, पर ये लिंक से भी डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। फिर यहाँ पे नीचे और एक है डाउनलोड STET 28 जनवरी आंसर की फॉर ऑल सेट्स। अब यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो दरअसल मैं करके भी आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या दिखा रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली ये जो साइट है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की, BSEB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इनकी साइट पर आ रहा है। यहाँ पे TET के खैर आ तो रही, पर आंसर की डाउनलोडिंग करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो विकल्प या यहाँ जो फॉर्म ओपन होता है वो उधर उन्होंने लिखा है कि भाई डाउनलोड ऑल आंसर किस करके, पर यहाँ किसी भी सेट की आंसर की डाउनलोड नहीं होगी। इस लिंक के से आपको अगर आपत्ति है किसी उत्तर पर तो वो ज़रूर आप इस लिंक के माध्यम से
आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए आपको ये जो जितनी भी डिटेल मांग रहा है, नाम, अपना पत्राचार का पता, उपयोगकर्ता का प्रकार, ईमेल आईडी, आपने जो भी पेपर दिए 1 या 2, उसके बाद आपका विषय, क्वेश्चन के सेट जो भी होगा वो, और प्रश्न संख्या जिसमें आपको प्रॉब्लम है, त्रुटि का प्रकार क्या है, और आपके जो भी ऑब्जेक्शन आपत्ति है उस पर आप अपनी टिप्पणी दर्ज करके सेंड कर सकते हैं। तो ये टोटल चीज़ है, पर ये ऑब्जेक्शन के लिए है, आंसर की डाउनलोड करने के लिए नहीं है। और यहाँ पर लॉगिन के जो बटन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं वो भी किसी भी काम के नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ। अब हम नीचे बैक लेंगे और यहाँ जब बैक पर जाएंगे तो वो दोनों ऑप्शन के बाद नीचे भी ऑप्शन है डाउनलोड बिहार STET पेपर 1 और डाउनलोड बिहार STET पेपर 2। तो चाहे पेपर 1 करो चाहे पेपर 2 करो, वीडियो लंबी होगी, करके मैं पेपर 1 की कर रहा हूँ। और जो हमने जैसा कि इस वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि हमने ये हमें ये जो जानकारी मिली, दरअसल ये कैसे करना है ये जानकारी उन्होंने नहीं दिए, पर इस ये जो आंसर की आ गई करके जानकारी हमें नीरजा कुमारी जी द्वारा मिली जो बिहार से है। तो उनको उन्होंने जो कोड को वो करना चाहते थे डाउनलोड, तो वो जो शीट है हम उसी से प्रयास करेंगे, उसको डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमको उन्होंने कहा है कि उनका जो उन्होंने पेपर 1 दिया था, उन्होंने मतलब उनके किसी कोई संबंधित है तो कुंदन कुमार जी करके, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्हीं की हॉल टिकट हमें भेजी गई, उन्हीं का पेपर का की जो आंसर की है वो डाउनलोड करने के लिए वो प्रयास कर रहे थे। तो उनका जो वैकल्पिक सब्जेक्ट था वो था, उन्होंने पेपर 1 दिया था, 107 उनका पेपर का कोड था, सोशल साइंस था, और उनका कोड था ई, जैसा कि जैसे कि हमारी उनसे बात हुई है। तो हम यही 107 कोड में पेपर 1 में सोशल साइंस वाला जो ई सेट की आंसर की है उसको डाउनलोड कैसे करना है हम देखेंगे। तो दोस्तों बस इस लिंक पर आपको जब जाएंगे नीचे आपको दिखेगा डाउनलोड बिहार STET पेपर 1, आपका जो भी सब्जेक्ट है आपको उस सब्जेक्ट पर जाना है अगर आपने पेपर 1 दिया है तो, और उस सब्जेक्ट का जो भी पेपर भी फिर आगे कोड्स है उन कोड पर जाना है। सेम चीज़ पेपर 2 वालों के लिए भी है। नीचे मैं सोशल साइंस को क्लिक करता हूँ। ये क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे फिर से यहाँ पे एक साइट पर रिडायरेक्ट हुआ है, ये है files.aglasem.com, यहाँ पे ये रिडायरेक्ट हो रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इसके पहले जब हम स्टार्टिंग में जो BSTET मैंने रिकमेंड किया उसके ऊपर जो एक वेबसाइट है वो भी aglasem.com की ही है, तो आप वहाँ से भी यही सब चीज़ें भी कर सकते हैं। अब यहाँ जब आप नीचे जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक झूम वगैरह के ऑप्शन मिलेंगे, कुछ एडवर्टाइज हैं जो थोड़े से अनोइंग है, पर नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको आपने जो भी कोड सिलेक्ट किया है, जो भी कोड मतलब आपने जो सब्जेक्ट का कोड सिलेक्ट किए है जिस भी पेपर का, वो सब्जेक्ट उस पेपर का उस सब्जेक्ट के पूरे को जितने भी पेपर कोड है पेपर सेट है वो पूरे आ जाएंगे। 107 हमारा कोड था पेपर 1 में, पेपर 1 होने की वजह से 1, और 7 जो कोड है वो था सोशल साइंस का। तो यहाँ पे सोशल साइंस के ABCDEFGHIJ ऐसे पूरे 10 सेट के पेपर्स की आंसर सूची अवेलेबल है। हमको ई का करना है तो हम यहाँ पे 107 ई जो है हम इसको जाएंगे और ये बटन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा डार्क हो आप देख सकते हैं। अब ये जब डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आप नीचे देखिए ये डाउनलोडिंग हो रहा है, आप स्क्रॉल यहाँ पे हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। ये एक बार डाउनलोड हम होने देते हैं तब तक के हम वीडियो को पॉज करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा आपको हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको मैं यहाँ से भी ओपन करने की कोशिश करता हूँ, हुई तो ठीक पर यहाँ से ओपन वो नहीं हो रही। यहाँ पे डाउनलोड फाइल में दिख रहा है, यहाँ से भी मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यहाँ से आपको अगर आप जिस भी ब्राउज़र से ओपन कर रहे हैं उस ब्राउज़र से अगर आप डाउनलोड जहाँ पे आपका हुआ है वहाँ से डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो शायद ही ओपन नहीं होगा, कांट ओपन फाइल करके एरर आती है, जो CTET के वक्त भी ये चीज़ हुई थी। तो इसको ओपन कैसे करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपके गूगल क्रोम से वो फिर डाउनलोड होने के बावजूद अगर ओपन नहीं हो रही तो आपको फाइल मैनेजर या फाइल एक्सप्लोरर जो भी होगा वहाँ जाना होगा। उसके बाद आपका आपके जो डाउनलोड की हुई फाइल जिस भी फोल्डर में सेव होती है उस फोल्डर को आपको ओपन करना पड़ेगा। मेरी फाइल्स डाउनलोड नाम के फोल्डर में होती है इंटरनल स्टोरेज में, तो मैंने वहाँ पर गया हूँ और यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं 107_E ये जो है अभी की फाइल है, बिल्कुल आप समय भी दे वगैरह देख सकते हैं। तो इसको मैंने ओपन किया, अब यहाँ पे जब मैं ओपन करूँगा इसको, मैं जब ओपन कर रहा हूँ तो आप देखेंगे ये ओपन हो जाएंगी जो भी। हाँ इसमें एक चीज़ हो सकती है, आपको जो भी PDF फाइल है तो PDF फाइल ओपन करने के लिए जो भी PDF एक्सेसिबल ऐप है WPS या किंग जो भी होगा तो वो
ऐप सिलेक्ट करना पड़ सकता है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये आंसर की अब मेरी हमारी जो है डाउनलोड हो गई। पर अब इसमें आप देखेंगे तो बीआर स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना लिखा है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी लिखा है, सेट कोड अपन ने अभी देखे कि मैंने ई का डाउनलोड किया हो तो ई आया है, सब्जेक्ट कोड 107, सब्जेक्ट का नाम भी यहाँ लिखा है सोशल साइंस। आप मैं थोड़ा जूम करके भी दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2019, सब्जेक्ट कोड 107, पेपर 1, सब्जेक्ट सोशल साइंस, सेट कोड ई। तो ये पूरा आ गया है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ दिखाई देगा, यहाँ पर तारीख भी देखेंगे तो आपको डेट ऑफ एग्ज़ाम, अब यह 28/2 गलती से छपा था जिसको उन्होंने 28/1 कर दिए क्योंकि 28 जनवरी को पेपर हुआ था। सीटिंग, ये पहली सीटिंग थी, मतलब कि पहली पाली में ये पेपर हुआ था। अब यह आप देखेंगे जनरली 150 मार्क का पेपर होता है तो प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 150 के उत्तर होने चाहिए। इस सूची में आपको प्रश्न क्रमांक सीधा 51 से दिख रहा है, कहाँ तक, तो 150 तक। अब बचे एक प्रश्न क्रमांक 1 से 50 का क्या, तो उसकी उत्तर सूची दोस्तों देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 50 जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है जिसमें मनोविज्ञान या बाल विज्ञान बोल सकते हैं, मतलब कि साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो आता है, उसके अलावा मैथमेटिक्स आता है और जो इंटेलिजेंस वगैरह से सब्जेक्ट रीजनिंग, मतलब रीजनिंग जो है वो रीजनिंग आती है। तो ये 3 सब्जेक्ट का अंतर्भाव किया गया है पहले 50 प्रश्नों में और वो सबके लिए कंपलसरी है थे करके उसकी उत्तर सूची शायद कहाँ से इधर यहीं से कैसे होती होगी, मुझे भी एक्चुअली वो मैंने पता नहीं, मतलब मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं हुआ है कि वो डाउनलोड वो कैसी होती है करके। पर ये जो चीज़ है ये ज़रूर आपका जो वैकल्पिक विषय है उसकी उत्तर सूची आपको ज़रूर इससे मिल जाएंगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है अपनी बिहार एसटीईटी अगर आपने दिया है पेपर 1 या पेपर 2 तो आप अपनी वैकल्पिक विषय के प्रश्न क्रमांक 51 से 150 जो है प्रश्न वा प्रश्न क्रमांक उसकी उत्तर सूची अपने सीट की आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं की है तो आज या कल में कीजिएगा। अगर आपको आपत्ति होगी तो जो फॉर्म मैंने बताया उस लिंक के पे जाके आप अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।